कहानी जिसका शीर्षक है बड़ी सुंदर सत्य कथा किसी भक्त के श्रीन मुख से। कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरी साथ वाली सीट पे एक वृद्ध औरत बैठी थी जो लगातार रो रही थी। मैंने बार बार पूछा, मैया क्या हुआ, मैया क्या हुआ। बड़ी मिन्नतों के बाद मैया ने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें 4 पेड़े, 200 रुपए और इत्र से सनी एक कपड़े की कातर थी। मैंने मैया से पूछा, मैया ये क्या है। मैया बोली, मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी, मैंने गुल्लक में 200 रुपए डाले और दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहां गोस्वामी जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। मैंने गोस्वामी जी को कहा, मुझे 2 पेड़े दे दो, पर गोस्वामी जी ने मना कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, मैंने 200 रुपए डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 चाहिए, पर गोस्वामी जी नहीं माने। मैंने गुस्से में वो एक पेड़ा भी उन्हें वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए बाहर आकर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर आई, तभी एक बालक मेरे पास आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मैंने जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ा कर खुद जूते पहनने लगा और फिर हाथ धोने चला, लेकिन गया फिर वो नहीं आया। मैं पागलों की तरह उसका इंतजार करती रही। काफी देर के बाद मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा, उसमें 200 रुपए, 4 पेड़े और एक कागज पर लिख रखा था, मैया अपने लाला से नाराज ना होया करो, यही वो लिफाफा है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, और जो कुछ देकर भी कुछ ना ले वही तो बांके बिहारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे।